240 मिलियन ईयर पहले अगर देखा जाए तो आज जो आप 7 महाद्वीप देखते हैं वो एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते थे। मतलब कि आज से लगभग 240 मिलियन ईयर पहले आज जो आप धरती पे पूरे 7 महादेश देख रहे हैं वो पहले एक ही महादेश हुआ करता था, एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हम पैंजिया, 5 महासागर, 5 ओशियन है। पहले एक ही ओशियन था जो पंथलसा के नाम से जाना जाता था, जो कि आपको पैंजिया के चारों तरफ से घेरा हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है, अल्फर्ड वेगनर के अनुसार आज से लगभग अगर देखा जाए तो 200 मिलियन ईयर पहले की बात है, ठीक है। ये पैंजिया क्या होता है कि ब्रेक होता है, ये पैंजिया क्या होता है कि टूटता है, और ये पैंजिया टूटने के बाद इसका एक हिस्सा जो है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है और एक हिस्सा इसका साउथ की तरफ से शिफ्ट करता है। मतलब कि अब पैंजिया दो हिस्सों में टूट चुका है और पैंजिया का वो हिस्सा जो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है उसे हम कहते हैं अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और पैंजिया का जो हिस्सा दक्षिण की तरफ शिफ्ट कर गया, साउथ की तरफ शिफ्ट किया, ये आपका गोंडवाना लैंड है, ठीक है। इसी की बात कर रहे थे जो आप बचपन में पढ़ते आई होइएगा कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का या प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो बेसिकली ये गोंडवाना लैंड जो है पैंजिया का टूटा हुआ हिस्सा था जो दक्षिण की तरफ शिफ्ट करता है। अब जाहिर सी बात है कि पैंजिया जब दो हिस्सों में ब्रेक कर गया अंगारा और गोंडवाना के बीच में, और हमने बताया कि ये चारों तरफ से क्या था हमारे पास, पंथलसा महासागर था, पंथलसा था कि नहीं था। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है कि ये बीच में पंथलसा का पानी घुसा कि नहीं घुसा, प्रवेश कर गया। तो अंगारा लैंड और पंथलसा के बीच में जो ये आप देख, सॉरी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में ये जो पंथलसा का पानी महासागर का घिस गया, जो प्रवेश कर गया, ये टेथिज सागर के नाम से जाना गया, ठीक है। ये क्या हुआ, टेथिज सागर के नाम से जाना गया। मतलब कि अब पंथलसा देखिएगा कि इसका पानी इन दोनों के बीच में प्रवेश कर गया और यह टेथिज सागर के नाम से जाना जाता है। फिर हम समय के साथ देखते हैं कि यह अंगारा लैंड फर्दर जो है फिर अलग अलग महादेश में टूटता है। जैसे आप अगर इस वर्ल्ड के मैप को देखिएगा तो यहां भी क्लियर हो जाएगा। आप नॉर्मली देखिएगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी आपका जो उत्तर की तरफ जो भी कॉन्टिनेंट है, जो भी महाद्वीप है, ये सारा अंगारा लैंड से टूटकर अलग हुआ है। जैसे अगर ये देखिएगा तो ये आपका क्या है, ये हमारे पास अफ्रीका है, ऊपर हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। तो देखिएगा कि टाइम के अकॉर्डिंग ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये आपका अंगारा लैंड से टूट के अलग होता है। ऊपर आप देख लीजिए, ग्रीनलैंड देख लीजिए, ठीक है, ये ग्रीनलैंड आपका इससे टूट के अलग होता है। इधर आप आइए, यूरोप आपका लगभग हो गया, ये भी अंगारा लैंड से टूट के अलग हो गया है। इधर अगर एशिया देखिएगा तो ये भी अंगारा लैंड से ही टूट के अलग हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यूरोप किसका हिस्सा था, अंगारा या गोंडवाना का? तो याद रखिएगा, मतलब नॉर्मली ये ध्यान रखना है कि जितने भी कॉन्टिनेंट जो नॉर्थ साइड में है ना, वो सारे कहां से, अंगारा लैंड से ब्रेक करके टाइम के अकॉर्डिंग अलग हो गए हैं। जबकि आपका दक्षिण में जो भी है, जैसे देख लीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप हो गया, तो अफ्रीका आपका